दोस्तों, अभी फसलों में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है फल मक्खी के अटैक से। जैसे फ्लोवर से फल बनते हैं, छोटे छोटे फल ही खराब हो जाते हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य करना है आपको जिससे कि आपके प्लॉट में फल मक्खी का अटैक ही नहीं हो उसके साथ ही, क्योंकि जैसे फ्लोवर से फल बन रहे होते हैं या फ्लोवर आ रहे होते हैं, यानी फ्लोरिंग स्टेज भी होता है और फ्रूट सेटिंग का समय भी होता है, तो उस समय मधुमक्खियों को भी किसी टाइप का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बेस्ट कीटनाशक भी कौन कौन से हैं जिनकी वजह से मधुमक्खियां भी सेफ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी और लंबे समय तक आपकी क्रॉप कीटों के अटैक से भी बची रहेंगी। जैसे फ्रूट फ्लाई के साथ साथ में थ्रिप्स का भी कंट्रोल हो जाएगा, फ्रूट बोरर यानी कि जो फल छेदक वगैरह, लट वगैरह, कीट वगैरह, उनका भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसे बेस्ट कीटनाशक कौन कौन से हैं और कौन कौन से कार्य पहले आपको करने हैं जिससे कि फल मक्खी का अटैक या अन्य कीटों का अटैक नहीं हो, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे हैं, ये वीडियो आपको कंप्लीट जरूर देखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में शेयर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनीता सिंह, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन ऑर्गेनिक जर्नी। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, फल मक्खी को कंट्रोल करने के साथ साथ अन्य कीटों का भी अटैक बहुत ज्यादा होता है, तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए और शुरुआती स्टेज में ही पहचान करने के लिए कि किस टाइप के कीटों का अटैक आपके प्लॉट में हो रहा है, तो इन सब के लिए सबसे बेस्ट और सबसे सस्ता तरीका है वो है आपके प्लॉट में येलो और ब्लू स्टिकी ट्रेप आप जरूर लगाइए। जब आप प्लांटेशन करते नर्सरी से उसी समय आप लगा दीजिए। एक प्लॉट में 6 आपको लगाने हैं, 6 में से आप 3 येलो कलर के लगा लीजिए और 3 आप नीले कलर के लगा लीजिए। नीले और पीले कलर वाले स्टिकी ट्रेप आपको जरूर लगाने, ये पहला कार्य है। और सेकंड और जरूरी कार्य है वो है दोस्तों, जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज शुरू हो जाएगा आपका प्लॉट में, फ्लोवर्स आने लग जाए उसी समय आपको उसी समय लगा देना है। ऐसा नहीं है कि फल बन रहे उस समय आप लगाएंगे, फ्रूट फ्लाई ट्रैप जरूर लगाना है, क्योंकि जैसे ही छोटे छोटे फल ही बनेंगे उसी समय फ्रूट फ्लाई का अटैक हो जाता है और वो फल खराब हो जाते हैं। तो फ्लोरिंग स्टेज जैसे शुरू हो जाए उसी समय आप लगा दीजिए ताकि अटैक ही ना हो, और उसी समय ये कीटनाशक, ऐसे कीटनाशक का यूज करना है जो कि मधुमक्खियों के लिए भी सुरक्षित हो, रिजल्ट भी लंबा मिले और साथ ही सभी तरीके के कीटों को कंट्रोल कर ले, रस चूसने वाले को, चबाने वाले को, थ्रिप्स है, अभी लीफ माइनर का अटैक हो रहा है, फिट्स का अटैक हो रहा है, थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, कैटरपिलर्स का अटैक है, इन सबको एक साथ कंट्रोल करें, ऐसे कीटनाशकों का आपको यूज करना है। पूरी फ्लोरिंग स्टेज आपकी लगभग 15 से 20 दिन बिल्कुल सुरक्षित निकल जाएगी, फ्रूट सेटिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, फल मक्खी का अटैक भी नहीं होगा। अब दोस्तों, बात करें कि आपने फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा दिया है तो कीटनाशक ऐसे कौन कौन से हैं जिनका आप यूज करना चाहिए फ्लोरिंग स्टेज में या फ्रूट सेटिंग के समय ताकि सभी तरीके के कीटों का कंट्रोल हो जाए। तो इसके लिए सबसे बेस्ट दोस्तों 4 कीटनाशक का मैं आपको डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, और कितना रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगी। सबसे पहले दोस्तों, रस चूसने वाले और चबाने वाले, यानी जैसे कि एफिड्स है, जेसिड्स का अटैक, एफिड्स का अभी पत्ता नीचे की साइड मुड़ रहा है, एफिड्स का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा है, थ्रिप्स का अटैक हो रहा है, पत्ते ऊपर की साइड मुड़ रहे हैं, या तरबूज में जैसे सुंडी वगैरह, लट वगैरह का अटैक बहुत ज्यादा होता है, इनको कंट्रोल करता है। उसके साथ ही लीफ माइनर का अटैक तरबूज में या बेल वर्गीय फसलों में बहुत ज्यादा होता है, तो ये लीफ माइनर को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इसमें ट्रांसलेमिनर एक्शन आता है। तो आप डेलिकेट इंसेक्टिसाइड को यूज कीजिए, सबसे बेस्ट रिजल्ट आपकी क्रॉप में देखने को मिलेगा और इसका रिजल्ट भी लगभग फ्लोरिंग स्टेज में आप सुरक्षित टाइम निकल जाएगा, 15 से 20 दिन का समय। डेलिकेट इंसेक्टिसाइड के टेक्निकल कंटेंट की बात की जाए तो इसमें आता है स्पिनटोरम 11.7%, एससी फॉर्म में आता है, तो इसके साथ में आप अन्य जैसे फंगस जनित रोगों का अटैक ना हो, प्रिवेंटिव में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या अटैक है तो आप फंगिसाइड भी मिला करके इसके साथ में यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, डेलिकेट को अगर आप यूज करने जा रहे हैं तो एक सावधानी जरूर ध्यान रखेंगे, मधुमक्खियों के लिए 100% सुरक्षित कीटनाशक नहीं है इसका। आप जब भी यूज करेंगे शाम के समय यूज करेंगे, मॉर्निंग में, सुबह के समय भी आप इसका स्प्रे नहीं करेंगे, ये सावधानी आप जरूर ध्यान रखिए। और इसकी परफेक्ट डोज रहेगी 1 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके फसलों में स्प्रे करना है।
सेकंड कीटनाशक है दोस्तों फ्लोरिंग स्टेज के लिए, मधुमक्खियों के लिए भी बिल्कुल सुरक्षित है ये, तो ये है ट्रेसर कीटनाशक, ये भी डव एग्रोसाइंस का ही आता है। और सबसे पहले अगर फ्लोरिंग स्टेज में यूज कर ही सकते हैं, अवेलेबल हो जाए तो आप ट्रेसर ही यूज कर लीजिए, उसके बाद में आप डेलीकेट कर लीजिए जब भी सेकेंड स्प्रे करें। ट्रेसर इंसेक्टिसाइड में टेक्निकल कंटेंट आता है स्पिनोसेड 45%, ये भी SC फॉर्म में आता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेसर थोड़ा महंगा कीटनाशक जरूर है, लेकिन ये रिजल्ट बहुत अच्छा है। ट्रेसर की परफेक्ट डोज रहेगी 1 ml 3 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और स्प्रे करना है। अगर आप छोटे 15-16 लीटर की टंकी से स्प्रे कर रहे हैं तो 15-16 लीटर में आप 5 से 6 ml ही यूज कीजिए, इससे ज्यादा आप यूज ना करें। और 1 एकड़ के लिए 60 से 70 ml ही आप यूज कीजिए स्प्रे में, 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना है। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड नंबर पे फ्लोरिंग स्टेज के लिए तरबूज और खरबूजे की फसल के लिए स्पेशली सबसे बेस्ट डेलिकेट और ट्रेसरी कीटनाशक है। कोशिश कीजिए आप एक बार ट्रेसर यूज कर लीजिए, फिर आप डेलिकेट यूज कर लें, देन फिर आप फ्रूटिंग स्टेज में जब फ्रूट की साइज अच्छी बनने लग जाए तब आप फिर से ट्रेसर यूज कर लीजिए। इस तरीके से 3 स्प्रे में आपकी पूरी क्रॉप निकल जाएगी। हो सके आप 2 स्प्रे में ही आपकी क्रॉप बहुत अच्छी निकले, लेकिन अगर 3 भी यूज करना हो गया तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप इन्हीं को रखिए, अगर ये दोनों ये अवेलेबल नहीं हो रहे तब आप यूज कर सकते हैं थर्ड नंबर पे, वो है अलीका कीटनाशक। थायोमेथोक्सम और लेमडा साइहेलोथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। वो भी जैसे एफिड जैसिड वगैरह, व्हाइट फ्लाई थ्रिप्स वगैरह, कैटरपिलर्स है या फिर फल छेदक है, फ्रूट बोरर है, इन सबको बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। एलिका की अगर डोज की बात की जाए तो 1 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे करना है। 1 एकड़ के लिए आप 200 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके आप स्प्रे कर लीजिए। फोर्थ नंबर पे अगर ये तीनों ही आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहे तब आपको लास्ट में यूज करना है, वो है बायर का सोलोमन कीटनाशक। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए सुरक्षित सिर्फ ट्रेसर है, आप इसका कभी भी यूज कर सकते हैं। डेलिकेट का, अलिका का या फिर सोलोमन कीटनाशक का यूज करें तो सिर्फ शाम के समय आप यूज कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्रॉप में। तो आप सोलोमन में आता है दोस्तों बीटा साइफ्लुथ्रिन प्लस इमिडाक्लोपिड का कॉम्बिनेशन आता है, इसकी भी डोज आप 1 ml/L के हिसाब से घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं, और ये भी रस चूसने वाले और चबाने वाले सभी तरीके के कीटों को कंट्रोल कर लेता है। आप में से तरबूज और खरबूजे की फसल कितने लोगों के पास है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, आप में से कौन कौन तरबूज और खरबूजे की खेती कर रहे हैं। और आज की जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।